डॉक्टरों ने ये कंडीशन बता दी कि बोले इनके जीने के दिन बोले 15 दिन के हैं बोले। तो बस मेरा दिमाग, इनकी मोहब्बत थी बुजुर्गान दीन की, बस उनको लाया यहाँ पे। ठहराव है यहाँ पर एक तरीके का, और यहाँ आसपास में पूरी चारों तरफ और ये जो स्ट्रक्चर है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रक्चर ही कितना कदीमी है, इससे आप इनके यहाँ होने का। और वो आज भी उस बुजुर्गान दीन की मट्टी की में इतनी शिफा है कि आज भी वहाँ पे हजारों लोग। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। मेरे हुसैन कहे हक निभाना, तो ये आमनेर के हमारे जफर इकबाल भाई है, इन्हीं की मदद से हम सैयद साहब के दरबार से यहाँ पाँच पीर की बारगाह शरीफ में हाजिरी करने आए हैं। चलिए चलते हैं अंदर। क्यों, ये देखिए, ये भी वर्धा नदी है ना भैया, वर्धा नदी के तट पर किनारे पर यहाँ पे पाँच पीरों की ये मज़ार शरीफ मौजूद है, और ये जो स्ट्रक्चर है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ही कितना कदीमी है, इससे आप इनके यहाँ होने का अंदाज़ लगा सकते हैं कितने पुराने होंगे। आइए ऊपर। यहाँ से नज़ारा देखिए आप, कितना पुरसकून माहौल है। ये नदी बहते हुई, सुकून का माहौल है, ठहराव है यहाँ पर एक तरीके का, और यहाँ आसपास में पूरी चारों तरफ ये कब्रिस्तान है, ये पूरा कब्रिस्तान है आसपास में। तो ज़ाहिरीन ये थी हज़रत पाँच पीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वीडियो जो आपके सामने थी। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आमनेर में ही, हमारे साथ में आमनेर के नगर सेवक मौजूद है, इन्हीं के मकान में हज़रत पाँच पीर रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ के खादिम साहब मौजूद है। तो आइए कुछ मुख्तसर सी जानकारी दरबार शरीफ के बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जिस जगह से अभी आए हैं जिनका नाम हजरत सैयद पांच पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह है, तो हमने बस्ती में जो हज़ारों औलिया की तादाद में आए हैं उनमें से एक पांच पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका मैं खादिम हूँ, और ये उनकी नज़रे इनायत है कि मुझे उस काबिल आपने समझा, मैं उनकी खिदमत करता हूँ। और खिदमत का सिलसिला ये जो मेरा शुरू हुआ तकरीबन आज से 15 साल पहले से हुआ है। पहले जो दरगाह थी एक जंगल के अंदर जैसी झाड़ियों में दबी हुई थी, अब मैं वहाँ पे ऐसे ही चले गया था जहाँ पे उनके तट पे एक वर्धा नदी है, नदी में कुछ टहलने के लिए गया था, मुझे वहाँ दरगाह दिखी तो बड़ी निस्बत हुई मुझे उनसे देखते से ही। तो मैंने वहाँ पे कुछ जब दरगाह पे मैं सलाम दुआ हुई तो देखा मैंने कि वहाँ झाड़ी आया, तो मेरे दिल को ये गवारा नहीं हुआ कि इतने बड़े अल्लाह के वली जिनका कुरान में जिक्र आया है और वो ऐसे इसमें। तो मेरे कुछ साथी है जो हम मिल के वो दरगाह को साफ किया, हमने सफ़ा किया और उनकी खिदमत करते रहे, जिसमें से एक मेरे दोस्त अनिल साहब है, अनिल मेशराम करके, और बहुत सारे ऐसे जिगर दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ में मदद की, और वो दरगाह को धीरे धीरे 15 साल से हम सफ़ा करते आ रहे हैं, साफ़ सुथरी कर रहे हैं। और जिसमें से जो पांच पीर के जो वली है औलिया इकराम है, जिनमें से एक नाम मुझे पता है, बाकी तो उनके नाम मुझे पता नहीं है, जाहिर नहीं हुए, जिनका नाम अली इब्ने हाकिम रहमतुल्लाह अलैह है, और बहुत प्यारे बुज़ुर्ग है, और माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान है और अल्लाह का फैज़ वहाँ पे बुजुर्गान दीन के सदक़े में चालू है कि हज़ारों लोग वहाँ पे शिफा पाते हैं, और वहाँ पे जो भी बीमारी हो अल्लाह का फजल करम है कि पांच पीर के सदक़े में वहाँ पे शिफाए कुल्ली मिल जाती है। दरअसल मैं
वहां पे खिदमत करते करते ऐसा हुआ था कि जिंदगी में मेरे शरीक की हयात को ब्लड कैंसर हो गया था, और ब्लड कैंसर होने के बाद में मैं उसे बम्बई में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में है, मैं 6 महीने तक के वहाँ पे लेके रहा हूँ। डॉक्टरों ने ये कंडीशन बता दी कि बोले इनके जीने के दिन बोले 15 दिन के है बोले। तो बस मेरा दिमाग, इनकी मोहब्बत थी बुजुर्गान दीन की, बस उनको लाया यहाँ पे और उस बुजुर्गान दीन के पास में जाके बिठा दिया, और 2 ही वर्ड की कहा था मैंने उनको, ऐ अल्लाह के वली, मैंने देखा नहीं हूँ सुना हूँ कि आपने मरो को जिंदा किया है, बीमारी तुम्हारे कदमों की धूल है। और बस वहाँ की धूल और मिट्टी उठा के उसको नहलाते गया और उसको वो चखाते गया, तो अल्लाह का एहसान करम हो गया कि 1 महीने के अंदर में उसकी जो आंखें भी चले गई थी, अंधी हो गई थी, आंखें भी उसको आने लगी, उसको दिखने लगा, और उसकी जान में ताकत आने लगी, जिस्म में ताकत आने लगी। और माशाल्लाह आज मेरे शरीक के हयात को 10 साल हो गए हैं आज, माशाल्लाह अच्छी है, कोई दवा नहीं। मैंने जबकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से 6 लाख रुपए की दवा लाया था, 2 बोरियां भर की थी दवा उसकी, 15-15 हज़ार के, 10-10 हज़ार के जो इंजेक्शन जो केमू के होते हैं वो तक के लाया था उसको। मैंने अभी अभी जो कोरोना का सीजन चालू था उसमें सुलगा दिया, और वो आज भी उस बुजुर्गान दीन की मट्टी की में इतनी शिफा है कि आज भी वहाँ पे हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं, माशाल्लाह उनको उसका फैजिया होता है। तो दरबार शरीफ की जो तामीरी काम है, जैसा हमने देखे है कि वो काफी कदीमी तामीरी काम है, उसके बारे में कुछ तकरीबन हमारे हिसाब से अंदाजे से लगाया जा सकता है कि वो 730-735 साल से बुजुर्गाने दीन वहाँ पे मदफून है। इससे पहले की भी वहाँ पे बुजुर्गाने दीन है, जहाँ से कहा जाता है कि 1100 साल से यहाँ पे अमनेर शरीफ में, जिसका नाम अमदा नगर था एक दौर में, ये जिला था, तो उस दौर से यहाँ पे बुजुर्गाने दीन आना शुरू हुए। तो आज से 35 साल पहले जो हजरत सैयद हारजावी बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, बस वहाँ तक के बुजुर्गाने दीन आए। और यहाँ पे कदमी शहर जो औलिया का माना जाता है, औलिया का गढ़ है अमनेर, यहाँ पे हर एक वली किस्म का मिलेगा, यहाँ दाता है, यहाँ पे जलाल है, यहाँ शहीद है, यहाँ कुतुब है, यहाँ अब्दाल है, यहाँ हर किस्म का वली है। यहाँ पे एक जो अमनेर की सरजमी है, यहाँ पे अल्लाह के वलियों का एक गढ़ है। उस दरबार शरीफ में जो असल मजार शरीफ है वो जैसा जी, है। तो वो जो पहले के कारागिर थे वो भी अल्लाह वाले थे, और उन्हें मालूम था आने वाली नस्ल कैसी होंगी, इसलिए जो जमीन के अंदर वो 8-10 फुट नीचे दरगाह है, और ऊपर में उनके तावीज बनाए गए हैं जिसको अपन साचा कहते हैं। वो साचे के हिसाब से ऊपर में क्या साचे बने हुए हैं, और अंदर आपके ओरिजिनल मकामात अंदर में मौजूद हैं। इसी तरीके के सारे तामीरी काम पूरे अमनेर में जी इसी जी तरीके से। जितने भी हैं यहाँ पे औलिया इकराम, यहाँ कोई चिल्ला नहीं है, यहाँ पे सब मदफून अल्लाह के वली मौजूद हैं यहाँ पे। और आमनेर की इस दरबार शरीफ तक के जायरीन को अगर आना है तो किस तरीके से आ सकते हैं? जैसा अगर अमरावती से आना हो जी तो बरूड गाड़ी से आए, और बरूर बरूड से अमनेर, और अगर नागपुर से आना हो तो काटोल होते हुए जलालखेड़ा होते हुए अमनेर आए। और माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गाने दीन की 5 पीर रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है कि मैं वहाँ पे इलाज भी करता हूँ, और उनकी दुआओं से ना यहाँ कुछ जर लगता है, बस आपकी दुआओं के मुंतजर रहते हैं। और बुजुर्गाने दीन के सदके में अल्लाह हर एक को शिफा देता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम यहाँ पे नगर सेवक साहब के घर में बैठे हैं, तो हम अपने चैनल की तरफ से इनका खास करके शुक्रिया अदा करेंगे, जावेद साहब का, आप हजरत का, खादी में 5 पीर दरबार शरीफ के, और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मौजूद हैं।